जय जोहार, मैं हूं निधि भारद्वाज। छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ सरकार ने नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए बड़ा फैसला लिया, जिसमें सरकारी नौकरी में नई नियुक्तियों के लिए स्टाइपेंड को खत्म करने का ऐलान किया गया। यानी अब नवनियुक्त सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को उनकी पूरी सैलरी मिलेगी। बता दें, साल 2020 में लागू हुए वजीफा यानी स्टाइपेंड नियम के तहत सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त सरकारी कर्मचारियों को पहले साल उनकी सैलरी का 70% दिया जाता था, दूसरे साल 80% और इसी तरह तीसरे साल उनकी सैलरी का 90% मिलता था। वहीं चौथे साल कर्मचारियों को उनकी पूरी सैलरी दी जाती थी। इसी के चलते लंबे समय से सरकारी कर्मचारी स्टाइपेंड व्यवस्था खत्म करने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस कदम से लगभग 38,000 सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को फायदा होगा। कांग्रेस सरकार का ये कदम इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये बहुत ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। बता दें कि 2020 से पहले परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड 2 साल का था, लेकिन कर्मचारियों को नियुक्ति के पहले महीने से पूरा वेतन मिलता था। लेकिन राज्य सरकार ने जुलाई 2020 में कोविड-19 के दौरान भर्ती नियम में बदलाव किए। अधिकारियों का कहना है कि कोविड महामारी को रोकने के लिए बेहतर वित्तीय प्रबंधन और प्रशासनिक दृष्टिकोण से भविष्य की नियुक्तियों में वेतन लागत को कम करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया। इसके बाद सरकार ने कर्मचारियों की परिवीक्षा अवधि 2 की जगह 3 साल बढ़ा दी और उन्हें चौथे साल पूरी सैलरी देने का फैसला लिया। जिस तरह से संविदा कर्मी समेत कई संगठन अपनी मांगों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उसी तरह सरकारी कर्मचारियों ने भी स्टाइपेंड व्यवस्था खत्म करने का विरोध किया। लिहाजा विधानसभा चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बन सकता था, इसलिए राज्य सरकार ने स्टाइपेंड खत्म कर इन कर्मचारी और उनके परिवारों को साधने का काम जरूर किया है। आपको ये भी बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ तक ने कर्मचारियों के स्टाइपेंड की समाप्ति की मांग का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था और आगे भी हमारी टीम जनता से जुड़े सभी मुद्दों को प्रखरता से उठाती रहेगी। नमस्कार, जय जोहार।